फैशन और फूड की अगर हम बात करें तो ऐसे ट्रेंड्स हैं कि चेंज होते रहते हैं ऐसा ही आजकल एक ट्रेंड है जिसका नाम है ऑर्गेनिक यानी कि प्योर खाना जिसके अंदर दवाइयों का इस्तेमाल नहीं हो जिसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल उनको उगाने में या उनके नेचुरल प्रोसेस में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो दिस इज ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक जो खाना है इसकी बातें हम करते रहेंगे खाना बनाते बनाते आज हम बनाने जा रहे हैं क्या पहली रेसिपी होने वाली है हमारी तिल वाले बैंगन द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट द रेसिपी इज टू कट द बैंगन तो चलिए बैंगन हमने काट लिए तो इसको हम भिगो लेंगे पानी में अब आगे बढ़ते रेसिपी में इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे काला तिल और सफेद तिल बहुत सारी ऐसी सीड्स हैं दाने हैं जो कई सालों से मॉडिफाई नहीं किए गए हैं तो तिल भी इनके अंदर एक दाना है ये काफी सालों से ऐसे दाने हैं सीड्स हैं जिनको मॉडिफाई नहीं किया गया है इसके अंदर हम डालेंगे सींग दाना यानी कि मूंगफली थोड़े से लौंग के दाने आठ से दस शाही जीरा थोड़े से राई के दाने एक और सीड वो है धनिया सीड्स। आइए बूंदते हैं तो यहां पर आप देखें कि कलर और सौंधी सौंधी जो खुशबू है उससे मसाला तो तैयार है अब क्या करना है इनको पीसना है तो चलिए मसाला हमने तैयार कर लिया है लेकिन मसाले में अभी और भी कुछ बाकी है क्या करना है वही पैन जिसके अंदर मसाले के वो सभी फ्लेवर्स हमने जो है निकाले थे उसके अंदर कोकोनट ऐड करेंगे यहाँ पर मैं सूखा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी सी हींग वी डोंट की अगर जब हम हींग भूनते हैं एकदम से एक्सेसिव हीट उसको मिलती है तो उसके फ्लेवर कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं लेकिन दिस इज़ वन टेक्निक टू प्रिजर्व द ब्यूटिफुल एंड लवली अरोमा ऑफ हींग अगले स्टेप में ये जो हमारा मसाला है इस्तेमाल करना है ये जो हमारा कोकोनट मिक्सचर है इसके साथ कंबाइन करके दोनों की क्वांटिटीज लगभग इक्वल हो मसालों के साथ दो हिस्सों में कुकिंग होगी कैसे पहला हिस्सा देखते हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे मूंगफली का तेल यहाँ पर आप चाहें तो नारियल का तेल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक गीले मसाले जो हमारे बैंगन है यहाँ पर इसको हल्का हल्का हम इससे कोट करेंगे चलिए बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं अब कुकिंग स्टार्ट करेंगे हम इसमें डालेंगे मूंगफली का तेल इसके अंदर हम एक से दो हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ध्यान से नोट कीजिए क्या कर रहा हूं मैं देखिए इस तरह से देखिए इसको बस पीस देना है ताकि जो बहुत ज्यादा इसके अंदर डेंस मिर्ची है किसी तरह से कम हो जाती है इसको अब हम डालेंगे तेल के अंदर प्याज जो है बस उसको हल्का हल्का पतला पतला स्लाइस करना है प्याज जो हमें बहुत ज्यादा भूनना नहीं है उसका कलर हमें सफेद रखना है जो मसाले हमने भून के तैयार करके रखे थे ग्राइंड करके उनका इस्तेमाल होगा अब क्योंकि ये मसाले हमने पहले से ही भूने थे रोस्ट किया था इनको तो यहां पर इनको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है तो जब आप देखेंगे कि इसके, इसके अंदर ये बबल्स आ रहे हैं तो उस समय गैस को हल्का कीजिए और दिस इज द राइट टाइम टू एडल यानी कि जो बैंगन हमने यहां पर मैरिनेट करके रखे हुए एक तरह से बैंगन तैयार हो रहे हैं उनके साथ खाने के लिए एक कंप्लीमेंट बना लेते हैं हम बनाएंगे ज्वार की रोटी ज्वारी रोटी ज्वार का आटा हम निकालते हैं इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक इसके अंदर हम बहुत थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे नहीं ऐड करना चाहें तो नो प्रॉब्लम हल्के हल्के पानी डालें अब रोटी को पकाना है इंटरेस्टिंग तरीके से पकाते हैं वो कैसे कुछ लेके आता हूं मेरे गार्डन से मैं तो मैं तोड़ के लाया हूं कुछ केले के ताजे ताजे पत्ते थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा पानी लगाएंगे ये जो आटा है इसे लेते हैं हाथ में ओके थोड़ा सा पानी और ये हमने कर दिया इसको क्लोज यानी कि बंद और ये सीधा आप तवे के ऊपर लेट्स कुक इट फॉर टू टू थ्री मिनट्स पलटते हुए लेट्स चेक द करी वाह क्या अरोमा आया लेकिन इसके अंदर एक चीज मिसिंग है वो है सॉल्ट सॉल्ट मैंने शुरू में नहीं डाला बिकॉज वी वॉन्टेड टू चेक कंसिस्टेंसी कैसी है सॉल्ट डाल के हल्का से इसे चलाएंगे हम तो देखिए यहाँ पर भाकरी जो है करीब करीब तैयार हो चुके हैं आप देखेंगे कि जो केले का पत्ता है सूख के अगर इससे एकदम इस तरह अलग हो जाता है इट मीन्स इट्स रेडी बंद करते हैं अब प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं तो लीजिए तैयार है हमारे तिल वाले बैंगन तो देखिए ऑर्गेनिक तिल वाले बैंगन रेसिपी का एक रिकैप तिल वाले बैंगन बनाने के लिए तीन से चार बैंगन को स्लाइसेस में कट करके पानी में भिगो दे गर्म पैन में दो सूखी लाल मिर्च दो छोटे चम्मच काले तिल दो छोटे चम्मच सफेद तिल आधा कप मूंगफली आठ से दस लौंग एक छोटा चम्मच शाही जीरा एक छोटा चम्मच राई के दाने और एक से डेढ़ चम्मच धनिया बीज रोस्ट कर ले सभी मसालों को मिक्सर जार में लेकर ब्लेंड कर ले गर्म पैन में एक कप सूखा नारियल पाउडर और आधा छोटा चम्मच हिंग डालकर भून ले अब मसाला मिक्सचर को नारियल में मिलाए और गैस बंद कर दे आधा मसाला प्लेट में निकाल और उसमें एक से दो चम्मच मूंगफली का तेल और स्वाद अनुसार नमक मिक्स करें। बैंगन स्लाइसेस को मसाले से कोट करें गरम पॉट में दो से तीन चम्मच मूंगफली का तेल गरम करें। दो हरी मिर्च एक कटा प्याज ग्राइंड मसाला और आधा कप पानी डालकर ढके और कुक करें पॉट में लो गैस आरोप मैरिनेटेड बैंगन स्लाइसेस को डाले और कुक करे रोटी बनाने के लिए बोल में एक कप जवार का आटा स्वाद अनुसार नमक दो छोटे चम्मच बेसन और एक चौथाई कप पानी डालकर मिक्स करें और डो तैयार करें दो, करे। दो केले के पत्तों पर पानी लगाकर आटे का छोटा पेड़ा रखें और कवर करें पत्ते के साथ गरम पैन पर रखें और पानी से मॉइस्चर देकर रोटी पकाएं। प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट में बैंगन रखें रोस्टेड मूंगफली प्याज स्लाइसेस और तिल से गार्निश करें, जवार की रोटी के साथ सर्व करें आपके तिल वाले बैंगन तैयार है मैं मीठी तो सभी करते हैं, सभी को पसंद है मिठास लेकिन कभी कभी कड़वाहट खाने में हो या छोटी मोटी बातों में हो उसमें एक अलग मजा है वो मजा कैसे है ब्यूटिफुल वेलकम बैक कड़वा पत्ता खा रहा था क्योंकि एक मेमोरी इसके साथ अटैच है और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कड़वाट मिठास इनकी बात करी थी तो शेफ ऑन व्हील्स पर मुझे कड़ू नीम किसी ने खिलाया था और वो कड़ू नीम जो था इतना कड़वा था लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो सरप्राइज आया उसमें इतनी मिठास थी कि क्या बात थी उसकी तो हम बनाने जा रहे हैं मेथी की कौंजी पाइनएप्पल चटनी के साथ सबसे पहले मेथी जो है भिगोने के बाद जब एकदम सॉफ्ट हो जाए उस पानी में थोड़ा और पानी ऐड करके उसे उबाल लीजिए आप उबालेंगे तो एकदम इस तरह सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी कड़वाट जो है काफी हद तक कम हो जाएगी अब इसमें क्या करना है सबसे पहले एक पैन गर्म करते हैं और पैन के अंदर हम लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अब इसमें क्या मसाले जाने वाले हैं वो देख लेते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर अनपॉलिश लाल चावल में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इसमें हमें ये चावल भिगोना नहीं है, Straight away into hot oil. इसको हल्का-हल्का भूनना है हल्का हल्का आप देखेंगे राइस कहीं पे पफ भी होगा उसको होने दीजिए हीट के कारण इट चेंजेस इट्स फॉर्म इट्स वेरी गुड और जैसे ही आपको चावल की वो सौंदी सौधी खुशबू आना शुरू हो जाएगी सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे हमारे पास मेथी है जिसको हमने उबाल के रखा हुआ है तो यहाँ पर आपने देखा कि मेथी जो है मैंने करीब करीब राइस की आधी क्वांटिटी में इस्तेमाल करा है तो यहाँ पर हम देखेंगे चावल जो है फिफ्टी परसेंट कुकिंग स्टेज तक पहुँचने वाला है कुछ फ्लेवर्स हमें ऐड करने हैं सबसे पहले थोड़ा सा केसर हम इसमें ऐड करेंगे तो चाहे तो भिगो कर ऐड करें या फिर बस ऐसे ही आठ से दस लौंग की कलियाँ हल्का सा भूनते ही आप देखेंगे कि लौंग का अच्छा सा फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा और जो केसर है उसका जो कलर है वो इसके अंदर पकना शुरू हो जाएगा इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी पानी ऐड करते ही आप देखेंगे इसके अंदर बॉईल आना शुरू हो गया तो बॉयल के साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी पाम जैगरी अब इसको करते हैं मिक्स पाम जैगरी जो है घुलने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो कलर है काफी डेंस हो जाएगा और धीरे धीरे ये थिक होना शुरू हो जाएगा जब आप देखेंगे इसके अंदर पूरी तरह से बॉयल आ चुका है फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक सिनेमन इस्तेमाल करेंगे यानी कि दालचीनी और इसके साथ साथ थोड़ा सा कोकोनट मिल्क तो इतना मीठा जो स्वाद है हमारे पास यहाँ पर गुड़ का और एक कड़वा स्वाद है हमारे पास यहाँ पर मेथी का दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है लेकिन इसके साथ थोड़ी सी खट्टास हो जाए पाइनएप्पल चटनी के साथ तो कैसा रहे बनाते पाइनएप्पल चटनी पैन को हम गरम करेंगे उसके अंदर हम लेंगे थोड़ा सा प्याज प्याज को बारीक-बारीक काट के इस्तेमाल करेंगे अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल गर्मा-गर्म तेल में प्याज बारीक-बारीक कटा हुआ ये जो हमारा अगला स्टेप है वो है फाइन चॉप जिंजर तो प्याज हल्का ब्राउन होते ही उसके अंदर डालेंगे ये बारीक-बारीक कटी हुई अदरक जिंजर की थोड़ी सी खुशबू जैसे ही आपको आना चालू हो जाएगी सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा इमली का पेस्ट यानी कि टैमरिन पेस्ट इसकी जगह आप चाहें तो इसमें कोकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी काफी अच्छे से पाइनएप्पल के स्वाद को कॉम्प्लीमेंट करेगी थोड़ा सा पानी तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ही इमली के अंदर थोड़ा सा पानी डाला यू विल गेट इफेक्ट इसके बाद जब थोड़ा सा थिकन हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है चटनी का वो है हमारा पाइन तो बस अनानास जो है उसको बारीक बारीक काटा हुआ है तो इसके अंदर खटास हो गई हल्की सी पाइनएप्पल की अपनी मिठास भी हो गई पाइनएपल डालने के बाद इसे तीन से चार मिनट तक मीडियम हीट पर पकाएंगे तो हमारी चटनी एकदम तैयार हो जाएगी तो वैसे तो इसके अंदर अपने ढेर सारे फ्लेवर्स हैं स्वाद हैं लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा क्रश पेपर ऐड किया जा सकता है चटनी हमारी रेडी हो चुकी है अब आइए कौंजी जो है उसे चेक करते हैं वाह wow, जो खुशबू है इसकी और जो इसकी कंसिस्टेंसी uh, है वो बता रही है कि कौंजी एकदम तैयार हो चुकी है जस्ट टू बी श्योर अगर आप घर पर बना रहे हैं तो जो चावल है वो पूरी तरह पक गया है मेथी जो है पूरी तरह से मैश हो रही है इतना चेक कर लीजिए कौजी इज़ रेडी द चटनी इज़ रेडी लेट्स डू द प्रेजेंटेशन तो लीजिए तैयार है हमारी मेथी कॉन्जी विद पाइन एपल चटनी मेथी एंड राइस कॉन्जी विद पाइन एपल चटनी बनाने के लिए गरम पैन में दो से तीन चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर एक कप लाल चावल और आधा कप बॉइल्ड मेथी मिक्स करें और तीन से चार मिनट तक पकाएं। पैन में एक चुटकी केसर आठ से दस लौंग की कलियां, एक कप पानी आधा कप पाम गुड़ एक दालचीनी और एक चौथाई कप नारियल का दूध मिक्स करके पकाएं। चटनी बनाने के लिए दूसरे गरम पैन में एक चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर एक बारीक कटा प्याज एक बारीक कटी अदरक तीन छोटी चम्मच इमली का पेस्ट एक चौथाई कप पानी एक कप अनानास और स्वाद अनुसार नमक डालकर मीडियम हीट पर तीन से चार मिनट तक पकाएं। प्रेजेंटेशन के लिए एक प्लेट में कौजी पोर करें पाइन चटनी के साथ सर्व करें, मेथी हर्ब्स नींबू स्लाइसेस अदरक करी पत्तों नारियल के दूध और इमली पेस्ट से गार्निश कर सर्व करें। मेथी एंड राइस कौंजी विद पाइन चटनी तैयार है एक ऑर्गेनिक अवतार कड़वाहट रूप का इस तरह से कि उसको देखते ही आपके अंदर मिठास भर जाए मिठास से मुझे याद आया कि हम अक्सर दुकानों में जाते हैं और मीठे मीठे डोनट खाते हैं लेकिन सोचते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक खा सकें तो कैसे खाएं सोचिए मत ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा एक ऐसा ही डोनट वेलकम बैक अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा था डोनट्स की और यहाँ पम्पकिन क्यों पील कर रहा हूँ भाई इसलिए अपील कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ ग्रेटेड पम्पकिन है जिससे हम बनाने जा रहे हैं हमारा डोनट और नाम है इसका बड़ा छोटा बड़ा प्यारा सा गार्गी यानी कि पम्पकिन डोनट्स तो मेरे पास यहां पर है कद्दू कस करके रखा हुआ कद्दू <laughs> कितनी अच्छी बात है लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर ये है कि क्या आपने कभी सुना है कि डोनट ऑर्गेनिक होना चाहिए इतनी डिटेल में हम कहाँ जा पाते हैं तो रेसिपी जो है हम से बन रही है डोनट तैयार हो रहा है ऑर्गेनिक है सिंपल है आसान है और साथ में ही बहुत स्वादिष्ट भी है इसके बाद इसके अंदर स्वाद जो है उसको बढ़ाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर सौंफ और इलायची का पाउडर हमारा जो डोनट है उसे मीठा करने के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्या गुड़ जैगरी अब जैगरी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई इसीलिए क्योंकि ये नेचुरल है और इसकी जो स्वीटनेस है वो पम्पकिन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी अब आप सोच रहे होंगे ऑर्गेनिक है तो कौन सा फ्लावर जो है किस तरह का मैदा इसमें इस्तेमाल होगा भाई हम नॉर्मल फ्लावर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे वन ऑफ माई फेवरेट ग्रेन विच इज़ सोरगम यानी कि ज्वार हमारा डो जो है वो तैयार हो चुका है अब क्या करेंगे बस थोड़ा सा इसे निकालते हैं बाकी अगर ज़्यादा हो तो फिर क्या करना है उसको गीला कपड़ा जो है मसलिन क्लॉथ लगा के आप रख सकते हैं चलिए ये हमने इसको थोड़ा स्प्रेड किया इसके साथ ही थोड़ी सी स्प्रिंकलिंग यहाँ पर आप चाहें तो आप होल वीट आटा जो है ऑर्गेनिक उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद छोटी छोटी इसकी हिस्से इस तरह काटेंगे काटने के बाद इस तरह से गोल कीजिए अब डोनट्स के दो ऑप्शन हैं या तो आप बीच में इस तरह इसको जो है होल करके थोड़ा सा दोनों तरफ से थोड़ा एक्सटेंड कीजिए इस तरह और जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा थे ज़्यादा पतला है उस हिसाब से आप प्रेस करके उसे बैलेंस कर सकते हैं इसके बाद फ्लार के ऊपर इस तरह और आप देखेंगे धीरे धीरे ये फैल कर अपने आप एक अच्छे से डोनट का शेप ले लेगा डालने से पहले अगर उसके ऊपर बहुत एक्सेस फ्लार है तो उसे डस्ट कर लीजिए हटा लीजिए थोड़ा सा इसको डालेंगे घुमा के इस तरह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस रेसिपी इज ऑर्गेनिक तो ये है ही आपने देखा मैंने किसी भी लिवनिंग एजेंट का बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है हल्की हल्की आंच पर ये फ्राई हो रहे हैं तब तक आइए आगे की तैयारी करते हैं आगे हमारे पास आपको याद होगा एक कद्दू मैंने पील किया था इसके साथ क्या करना है वो भी देख लेते हैं इसको जो है कुछ इस तरह की पतली पतली स्लाइसेज में हम काटेंगे ज़्यादा नहीं आठ से दस स्लाइसिस विल बी इनफ थोड़ा सा उसको इस तरह ट्राइंगल का हम शेप दे देंगे कुछ इस तरह का और फ्राइंग से मुझे याद आया कि मेरा ऑयल जो है यहाँ पर ऑलरेडी गर्म हो रहा है मध्यम आंच पर है यहाँ पर मैं सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो टोटली ऑर्गेनिक है आप कोई भी तेल जो ऑर्गेनिक हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बट बी वेरी केयरफुल अगर आप राइस ब्रैंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर और भी कम रखना जरूरी होता है तो आई वुड रिकमेंड सनफ्लावर या फिर मूंगफली करते हैं और आप देख सकते हैं जो अभी ऑयल है उसका मूवमेंट एकदम यूनिफॉर्म हो गया है हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं डोनट जो है पूरी तरह से कलरफुल हैं थोड़े से फ्लफी हो गए एकदम तैयार है ऑब्वियसली जब निकालेंगे तो एक पेपर टावल पे ताकि जो एक्सेस ऑयल है थोड़ा बहुत वो ड्रेन आउट हो जाए नेक्स्ट स्टेप ये जो हमने डेकोरेशन के लिए पंपिन काटा है इसको डीप फ्राई करना होगा बस धीरे से स्लाइसिस जो है डाल दें इसके अंदर हल्का सा कलर आ जाएगा हल्का सा ये क्रिस्प हो जाएगा फिर इसका, इसका इस्तेमाल करेंगे इस समय चाहें तो गैस जो है उसे बंद कर सकते हैं तो ये हमारी गार्निश भी हुई तैयार इसके साथ साथ मैंने सोचा कि भैया जो पम्पिन का छिलका है इसको भी शेप दे के इस्तेमाल करेंगे कैसे मीडियम हॉट ऑयल में डालते हैं हल्का सा ये क्रिस्पी फ्राई तो नहीं होगा लेकिन इसके अंदर एक जो कच्चा स्पन है जो अपना कच्चा स्वाद है वो थोड़ा सा गायब हो जाएगा थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा भाई सबकी फेवरेट इंग्रेडिएंट चॉकलेट का इस्तेमाल कैसे मेल्ट कर लीजिए हल्का सा बट बी वेरी केयरफुल यूज़ ओनली ऑर्गेनिक चॉकलेट क्या करेंगे ये हमारे डोनट आए यहाँ पर अब इतना खूबसूरत तो और टेम्पटिंग ये लग रहा है रीकैप तो बनता है भाई आप रीकैप देखिए मैं स्वाद लेता हूँ गार्गी बनाने के लिए एक बोल में एक कप कसा हुआ कद्दू एक छोटा चम्मच सौंफ पाउडर एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर आधा कप गुड़ आधा कप जवार का आटा मिक्स करें डो तैयार कर और आटा स्प्रिंकल कर पेड़े बनाए डोनट्स की शेप देकर गरम तेल में धीमी आंच पर फ्राई करें। अब पील किए हुए कद्दू को 8 से 10 स्लाइसेस में कट करके ट्रायंगल शेप दें। ट्रायंगल्स और कद्दू के छिलके को गरम तेल में डीप फ्राई करे डोनट्स को मेल्टेड चॉकलेट में डिप करे पॉपी सीड्स क्रिस्पी कद्दू स्लाइसेस चॉकलेट और पुदीने की पत्तियों ऐसी गार्निश करे आपकी गारगी तैयार है इतनी इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने के बाद आपके मन में अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं कुछ इनोवेशंस आपके पास हैं तो हम तक पहुंचाइए द एड्रेस इज वेज एट द रेट लिविंग फूड्स डॉट कॉम अब क्या करना है भैया अब मुझे जाना है अगली रेसिपीज़ के बारे में सोचना है इनोवेशंस के बारे में सोचना है आप तक पहुंचाने के लिए तो अगली मुलाकात तक बाय बाय